हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में आप लोगों के सामने ये देखिए, कल मैंने दूध का चाय बनाए थे तो आज मैंने पानी का बना रही हूँ। तो इसमें लौंग, दालचीनी, इलायच और गोल मिर्च जो भी होता है ना, और तेज़पत्ता, सब कुछ ब्लैक पेपर सब, और थोड़ा सा ज़्यादा अदरक दे रही हूँ आज, थोड़ा सा ज़्यादा। गला में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा अदरक दे रहे हो इसके अंदर। तो बॉईल करना है इसको, और देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा हो गया चाय की तरह। और भी थोड़ा सा पकाना है, और लेफ्ट साइड में मेरे बेटी के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ अभी। देखिए अभी आफ्टरनून का टाइम है बट बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मेरा हालत ख़राब है। गार्डन का पूरा सब कुछ बिखर हुआ है और बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ी है आज। हवा इतना ज़ोर से चल रहा है ना, देख ही पा रहे, पेड़ पौधा सारे ख़राब हो जाएगा लगता है। तो हस्बैंड आया तो मैंने बोला जो दो चार लौकी है तोड़ तोड़ दो, तो वही तोड़ रहे। और देख ही पा रहे कितना ज़्यादा हवा चल रहा है, और मेरा एक दिन में ही मेरा लौकी का पेड़ कैसे सूख गया है, पूरा कैसे सूख चुका है, पता नहीं कल क्या होगा। और लौकी ये वाला थोड़ा सा छोटा है तो मैं बोला रख दो, देखती हूँ कल क्या होगा। ऑलरेडी तीन तोड़ लिया है। और यहाँ पे जो बैगन दिखाए थे ना आप लोगों को, वही है। तो ये एक तोड़ेंगे और एक रख देंगे, बाद में तोड़ेंगे। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए एक ही तोड़ा है। तो यहाँ पे है ना पामकिन का पेड़ हुआ है, खुद ही हुआ है, और एक फूल भी हुआ है। यहाँ पे हम लोग सब्जी का जो छिलका होता है ना वो फेंकते, तो उससे हुआ है। और यहाँ पे देखिए आज पुई शाक का दिखाती हूँ, पुई शाक का जो फल हुआ है कितना सारा हुआ है। तो ठंडी में तो ख़राब हो जा रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा खा भी लेती हूँ, और ठंडा ठंडा में ख़राब हो जाएगा ना, तो इसलिए मैं दो चार तोड़ लेती हूँ, तोड़ के बना के देखती हूँ कैसे लगता है। देखिए मैंने दो चार तोड़ के लाए हैं, तो इसका हालत तो अच्छा नहीं, इतना ज़्यादा कीड़ा लग गया जिसका पता है ना, सारा फेंकना पड़ेगा लगता है। तो इसका जो फल है ना पुई शाक से ज़्यादा ये फल खाने में अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आज पहली बार ही खाएंगे, इससे पहले नहीं खाया, तो मतलब इस साल नहीं खाया इस साल पहली बार ही तोड़ा है, इतने दिन हुआ नहीं था ना, अभी अभी हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो लौकी आज तोड़े थे वही सब्जी बनाया, और सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। मेरा गार्डन का हरा धनिया दिया था तो इसलिए बहुत अच्छा आया है, टेस्टी भी है, देख के अच्छा लग रहा है, हरा धनिया का कलर बहुत अच्छा है। और यहाँ पे पुई शाक मैंने फेंक दिया है, देखिए उसका कीड़ा लग गया था, सारे फेंक दिया, रखा ही नहीं, एक दो उसके अंदर जो छोटा छोटा था वही, और ये पुशाक का फल सारे ले लिया है। तो इसको ही आज पकाएंगे, तो देखती हूँ। और यहाँ पे देखिए पुशाक का सब्जी, पुशाक का जो फल है ना उसका सब्जी, और लौकी का सब्जी, और तो ये यहाँ पे है जो तुड़ई है ना, जो चिचिंग जैसे वो है तुड़ई, आलू फ्राई किया था, और यही लौकी तो यही बनाया। और मैंने पूछा, हेलो गाइस, देखिए पूरा दिन आप लोगों के साथ बात करने के लिए नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ, मेरा बात निकाल ही नहीं रहे थे, मेरा तो इधर इधर पूरा सूजन हो गया, और बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, बाहर बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी पड़ा है, तो इसलिए सेंट्रल एसी चलाना पड़ रहा है। लेकिन तो सेंट्रल एसी हस्बैंड ने चला के दिया था लेकिन मैंने बंद कर दिया, तो मेरा बहुत ज़्यादा जुखाम हो गया, बात ही नहीं हो पा रहे, इतना ज़्यादा जुखाम हो गया, बात ही नहीं निकल रहे, बात करने से ना बहुत ज़्यादा काशी हो रहा है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। तो अभी थोड़ा सा आराम मिला है, थोड़ा गर्म पानी लेके थोड़ा सा करके अभी थोड़ा सा ठीक है, तो इसलिए मैं से थोड़ा सा बात भी कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, पूरा दिन भर बात नहीं किया आप लोगों के साथ। देखिए मेरा बेटी भी यहीं पे है, उसको मैंने सॉक्स भी पहनाया, सब कुछ पहना के दिया, लेकिन वो क्या करती है ना, सब खोल देती है,
तो ऐसे सेंट्रल एसी चलाने से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना पूरा, सेंट्रल एसी चलाने से पूरा घर ड्राई हो जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा नाक से खून निकल जाता है, इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है ना पूरा इधर अंदर अंदर जाके। तो देखिए मेरा ये यहाँ पे है ना नाक स्टैंड, तो इसके ऊपर उठ के देखिए क्या कर रही है। देखिए मेरा नेल पॉलिश का डब्बा लेके आया है पूरा, उसको यही चाहिए। देख ही पा रहे आप लोग मेरा, मैं कैसे वीडियो बनाती हूँ। देखिए बेड का हालत, तो उसको बेबी लाना है, उसका पीलो, ये सब कुछ चाहिए। देखिए बेबी को सुला रहे थे, खुद नहीं सोती है लेकिन बेबी को सुलाना है। फिर अभी ये लेके आए हैं, वो चाहिए। और ऐसे तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे सिर दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मन कर रहा है मैं सो के ऐसे पड़ी रहूँ और कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने देखिए छोटा सा ये है ना हीटर, ये मैंने छोटा सा हीटर लगाया है। देखिए अभी टीवी भी चल रहा है, और मेरा बेटी तो देखिए यहाँ पे क्या कर दिया वॉल में, लिख के ड्राइंग करती है इधर 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 पूरा इधर। मैं बोल रही हूँ ना तो इसलिए बोल रहे हैं नो मामी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर इसको भी संभालना पड़ता है, तो क्या करें। तो हस्बैंड शाम को गया है काम पे, तो 7 o'clock गया है, तो इसलिए अभी डैडी घर पे नहीं उसका, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो हम लोग तो दोपहर का खाना पीना खा कर के आज तो बहुत लेट हो गए थे, तो को दिखाती हूँ मेरा बेटी क्या करती है, तो देखिए दिखाती हूँ, 1 सेकेंड बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए मैं नेल पॉलिश लगा रही है अभी वो देखती है ना मैं लगाती हूँ, तो इसलिए वो लगा रही है, वो खुद नहीं चल पाती है खुद। देखिए 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 हाँ तो पूरा गिरा देगी ऐसे करते करते। तो देख ही पाया आप लोग मेरा बेटी ने क्या किया है आज अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उसके साथ खेलना भी तो है, कोई नहीं है ना खेलने के लिए, और बाहर बहुत ज्यादा ठंडा भी है, तो इसलिए उसको बाहर नहीं लेके जा रही हूँ। तो ऐसे तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा खेलना भी पड़ता है उसके साथ, क्या करें बाहर नहीं जा पा रहे, नहीं खेलेंगे तो कैसे चलेगा। मेरा तो बहुत ज़्यादा सिर फट रहा है, और बात करने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं तो कभी बेडरूम से बात नहीं करती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे सो सो के, लेकिन क्या करें अच्छा नहीं लगे तो करना पड़ता है। अभी फिर से थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे तो गला का जो इधर से दर्द होता है ना थोड़ा सा कम होता है, और नाक में मेरा बहुत ज़्यादा ये हीटर चलाने से ना ड्राई हो जाता है, मैंने बोला ना, तो इसलिए छोटा वाला हीटर रखे। तो इसको क्या कर रही हूँ थोड़ा सा चला के, जब रूम थोड़ा सा ठीक हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो फिर मैं बंद कर देती हूँ, फिर चलाती हूँ, फिर बंद करती हूँ, ऐसे कर रही हूँ। और सेंट्रल एसी चलाने से पूरा घर गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो क्या करें ऐसे ही, तो यही था आप आज आप लोगों के साथ छोटा सा शेयर, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। और मेरा जितना सारा फ्रेंड मेरा वीडियो देखते हैं सबको थैंक यू सो मच। तो आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, तो आप लोगों के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो।